वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हमारा ये सेशन एक स्पेशल है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है और उसके लिए कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन आपको देखने हैं। तो देखिए हर चैप्टर वाइज कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है, उसके अनुसार हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो आपको आज के वीडियो में बताऊंगा कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो जनरली 3 और 5 मार्क्स के लॉन्ग 1 और लॉन्ग 2, उसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल है और उसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 फॉर मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन वी आर डिस्कसिंग हियर। जैसा कि आपको पता है पहले वाली वीडियो में आपने देखा है कि CBSE ने इस बार सिलेबस को किस तरह से एक नया प्रारूप दिया है आफ्टर डिलीटिंग द 30% सिलेबस, वो हमने पिछले वीडियो में देखा होगा, आप लोगों ने नहीं देखा उसको देख लेना, यूनिट वाइज देखा था और कौन कौन से चैप्टर है। अब हम देखेंगे उन चैप्टर से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हम क्वेश्चन किस तरह से तैयार करें। तो एक स्लाइड के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से आने की संभावना है 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। उसके अनुसार आप देखिए, आपको बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होना है और ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इससे रिलेटेड या इसके सिमिलर क्वेश्चन भी आपको देखने हैं, लेकिन मोस्टली इसी टॉपिक से जो मैं बता रहा हूँ उसी टॉपिक से उसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आ सकता है, वो भी आप अच्छी तरह देखना। लेकिन मेन आपको ये है, यानी इनके इर्द गिर्द आपके क्वेश्चन पेपर घूमेगा, तो आप लोगों को वो देखना है। तो ये पहला वीडियो है, ऐसे मैं 3 वीडियो आपको दूंगा, इसमें सेकेंड वीडियो में वेरी शॉर्ट आंसर दूंगा और उसके बाद में लास्ट में आपको एक और वीडियो दूंगा जिसमें आपके इस बार जो नए आया केस स्टडी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से है और उसमें से कौन से शामिल है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन बैंक फॉर मैथमेटिक्स क्लास 12 फ्रॉम सुथार्स पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट, ये सब हमें सुथार्स पॉइंट जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोगों को काफी सहयोग मिल रहा है, उसी पे डाल रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ताकि फ्यूचर में भी और वीडियो आपको मिलते रहेंगे, उसके लिंक भी मिलते रहेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो देखिए इसमें लक्ष्मीपत सिंघानिया स्कूल जेकेपुरम सिरोही क्वेश्चन बैंक फॉर मैथमेटिक्स 2020-21 क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो हमारी नजर में है वो है, शो दैट द फंक्शन एफ इन ए इंटरवल इज गिवन फ्रॉम आई टू आर टू एक्सेप्ट 2/3 डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 4x+3/6x-4 इज 1 1 ऑन टू हैंड्स फाइंड एफ इनवर्स। तो डियर स्टूडेंट, पहले चैप्टर से हमने क्वेश्चन लिया है, ये आपको 3 या 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं। सेकेंड है, इफ एक्स रूट ऑफ 1 - y² + y√1 - x² इक्वल टू 1, प्रूव दैट dy/dx इक्वल टू -√1 - y। तो ये आपका डेरिवेटिव से आया है, डेरिवेटिव आपको निकालना और इम्प्रूव करना है, यानी आंसर ऑलरेडी दे रखा है, तो ये 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। थर्ड है, इफ एक्स इक्वल टू 3 sin t -sin 3t y इक्वल टू 3 cos t एंड -cos 3t फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव एट t इक्वल टू, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखा है, डेरिवेटिव का ये पैरामेट्रिक फॉर्म में आप डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू t, दोनों फंक्शन को डिवाइड कर लेना और फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकालना और लास्ट में t की वैल्यू 5/3। क्वेश्चन 4 है, वो भी डेरिवेटिव का है, डिफरेंशियल इक्वेशन का है, x dy/dx - y = √x² + y। फिफ्थ देखिए, इवेलुएट, ये डेफिनेट इंटीग्रल का है, 1 to 4 fx dx, वेयर fx दे रखा मॉडुलस फंक्शन है, mod x - 1 + mod x - 2 + x - 3, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू a sin pt एंड y इक्वल टू b cos nt फाइंड द वैल्यू ऑफ d²y/dx² एट t = 0। तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट, पैरामेट्रिक फॉर्म का वापस हमने लिया है, उसको सॉल्व करना है। और नीचे आपका वापस सेवंथ है, वो डिफरेंशियल का है, x dy - y dx = √x² - y²। तो ये होमोजीनियस का दिख रहा है आपको जैसे कि, तो इसको होमोजीनियस मेथड से सॉल्व करना। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी का हमने लिया है, 3 poles are drawn 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 5 poles white and 4 green ball fall
फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। तो ये आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पीडी का दिया है। जैसा कि आपको पता है कि पीडी आएगा इस बार, सिर्फ बाइनोमियल पीडी है वो हटा दिया गया है, बाइनोमियल को यूज करते हुए लिखेंगे वो हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, ये बड़ा क्वेश्चन बनता है। इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स 3x3 दे रखी है, आपको उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना और उसी को यूज करते हुए यानी इनवर्स मेथड मैट्रिक्स का यूज करते हुए तीनों इक्वेशन को सॉल्व। तो ये भी इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ऐसा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह तैयार करना क्योंकि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में ही आएगा। 10th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस द लाइन एंड द सर्कल। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आने की संभावना है, 5 नंबर में बड़ा क्वेश्चन। और इस बार आपका जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है या कर्व का एरिया है वो थोड़ा कम कर दिया है, थोड़ा लाइट क्वेश्चन देंगे, यानी जो कर्व के बीच का नहीं देंगे, कर्व और एक लाइन या सिर्फ सिंगल एक कर्व का एरिया। तो ये आप क्वेश्चन टेस्ट देख लीजिएगा। इवेल्युएट द फॉलोइंग, तो ये इंटीग्रल डेफिनेट का दिया है, √10x + √cot x d। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम में आता रहता है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसकी सिमिलियर क्वेश्चन को भी आपको देखना है, √10x और √cot x का सेपरेटली कैसे निकालते हैं वो भी देखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए प्यारे बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द। तो ये आपको प्लेन के चैप्टर से दिया गया और प्लेन के चैप्टर से भी आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो इससे आने की पूरी संभावना है। एक पॉइंट दे रखा है उससे पास हो रही और दो दूसरी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उसी कंडीशन को यूज करते हुए करिएगा। और ये LPP का हमने लिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में, ए फैक्ट्री मेक्स 2 टाइप ऑफ आइटम A एंड B, मेड बाय प्लाईवुड। 1 पीस ऑफ आइटम A रिक्वायर्ड 5 मिनट ऑफ कटिंग एंड 10 मिनट फॉर असेंबलिंग। 1 पीस ऑफ आइटम B रिक्वायर्ड 8 मिनट फॉर कटिंग एंड 8 मिनट फॉर असेंबलिंग। देर आर 3 hours 20 minutes अवेलेबल फॉर द कटिंग एंड 4 hours फॉर असेंबलिंग। द प्रॉफिट ऑफ 1 piece of item A इज गिवन एंड डेट ऑन B इज ऑल्सो गिवन। हाउ मेनी पीसेज ऑफ ईच टाइप शुड बी फैक्ट्री मेक सो इट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमाइज, मेक इट एज LPP एंड। लेकिन यहाँ पर हमने ये वर्ड प्रॉब्लम दी है, लेकिन इस बार CBSE ने वर्ड प्रॉब्लम को हटा दिया है, उसकी जगह आपको इक्वेशन फॉर्म की हुई आएगी, डायरेक्ट उसको सॉल्व करना। तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग प्रैक्टिस भी कर लीजिए, किसको एक्स सपोर्ट करेंगे, किसको वाई और कैसे इक्वेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है फंक्शन 1 1 और 2 निकालना। पहले भी मैंने एक दिया था, ये और दिया ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। ए फंक्शन दे रखा है, बी दे रखा है और FX दे रखा है, आपको प्रूव करना ये 1 1 है और 1 2 है, यानी जस्टिफाई योर आंसर, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ये आपको फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन है, सर्कल और पैराबोला का बीच में है, तो आप आराम से कर लेना इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूजिंग P फॉर प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 x sin x cos x। तो यहाँ मैं इंपॉर्टेंट हिंट देना चाहूंगा कि जब भी आपको 0 to π/2 या π/4 हो और उसमें ट्रिग्नोमेट्री के साथ एलजेब्रिक हो, तो मोस्टली आपको P4 यूज करनी है, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट 17 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू, ही प्लेन का वापस आ गया, मैंने अभी बताया था उसी टाइप का है, पॉइंट दे रखा और परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन। तो ये कंडीशन थोड़ी चेंज होगी, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो आपको देखना। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन ऑफ टेन। 18 देखिए, ये मैक्सिमा और मिनिमा का है, तो इसमें देखिए, और अनिल वांट्स टू इन्वेस्ट एटमोस्ट 12,000 rupees इन सेविंग सर्टिफिकेट नेशनल सेविंग बैंक। अकॉर्डिंग टू रूल्स ही हैज टू इन्वेस्ट एटलीस्ट ₹2,000 इन सेविंग सर्टिफिकेट एंड एटलीस्ट ₹4,000 इन नेशनल सेविंग बॉन्ड। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग सर्टिफिकेट 8% पर एनम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग बॉन्ड इज 10%, हाउ मच मनी शुड बी इन्वेस्ट ईच टाइप ऑफ सॉल्विंग टू और मैक्सिमम अर्निंग। सो ये LPP का है, आप लोग इसको करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस 0.134 फ्रॉम द प्लेन, फाइंड ऑल्सो द इमेज ऑफ द पॉइंट। तो ये भी प्लेन का है, आपको करना है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस मेजर पैरेलल टू लाइन। तो ये थोड़ा और टाइप का क्वेश्चन है, इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आपका लाइन का आ जाएगा, लाइन और प्लेन दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। देन 21 इंटीग्रेट π/4 to π/2 cos 2x log sin, ऐसे डेफिनेट इंटीग्रल का है, इसमें आप बहुत आसानी से इसको कर लोगे साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट करके। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इफ ए इक्वल टू 5, ये मैट्रिक्स का हमने पहले भी देखा है,
थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स है, आपको ए इनवर्स निकालना है यूजिंग द कोफैक्टर्स, आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व द थ्री गिवन पेयर ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd देखिए, 23rd से एन एरोप्लेन कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर, ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 400 इज मेड ऑन ईच फर्स्ट क्लास टिकट एंड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 300 मेड ऑन ईच सेकेंड क्लास टिकट दे। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है आपको, इसको एक्स और वाई सपोज करके लीनियर इक्वेशन बनाना, फिर उसको टेबल ड्रॉ करके ग्राफिकली मेथड और कॉर्नर पॉइंट निकालना और ऑब्जेक्टिव करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आएगा यूजिंग मैट्रिक्स। ये वापस मैट्रिक्स का क्वेश्चन 24 आ गया, फर्स्ट सेकेंड चैप्टर हम कह सकते हैं, थर्ड या जो एलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर है उसी का है ये यूनिट का। तो ये 3 इक्वेशन है आपको मैट्रिक्स इनवर्स निकालनी और एडजेक्ट और निकाल के सॉल्व करना। 25 देखिए, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए किस तरह से करना है आपको, ये विंडो हैज द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर सरमाउंटेड बाय एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इफ द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज गिवन 12 मीटर फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल दैट विल प्रोड्यूस द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द विंडो। ठीक है, तो मैक्सिमा का करना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये नेक्स्ट वाला भी मैक्सिमा का ही है, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा का आपको करना है। इसमें फर्स्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप जो भी चाहे लगा सकते हो। 26 प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर ऑफ रेडियस आर इज गिवन, सो आपको प्रूव करना है। 27 देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द करी, दो सर्कल दे रखे, दोनों सर्कल के बीच का एरिया करना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। अब मैन्युफैक्चर कैन सेल पेट्रोल ऑपरेटेड एक्स आइटम एट ए प्राइस ऑफ दिस आइटम, द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेट्रोल ऑपरेटेड एक्स आइटम इज गिवन, फाइंड द नंबर ऑफ आइटम यू शुड सेल टू लर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ द एनर्जी। तो ये लास्ट वाला आपके लिए एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिन्यूएबल, ये लिखने की जरूरत नहीं, मॉरल वैल्यू का है, बाकी ये आपको करना है। ठीक है ना, ये डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द इक्वेशन, परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें 2-3 तरह क्वेश्चन बनते हैं कि किसी भी प्लेन से कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं और उसकी इमेज कैसे निकालते हैं, ये 5 मार्क्स में आ सकता है। वापस ये मैट्रिक्स का यूजिंग मैट्रिक्स, सॉरी 2-4 क्वेश्चन मैंने मैट्रिक्स के दिए है, अलग अलग दिए ताकि आप लोग अच्छी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आना ही है, बस आपको कैलकुलेशन देखना और मेथड देखना है, बाकी नंबर कुछ भी आए इक्वेशन कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 35 देखिए, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का, तो ये मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है, मैक्सिमम एरिया निकालना है आपको, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट चेक कर लेना और सॉल्व करना। 32 देखिए, शो दैट द वर्टिकल सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट, ये भी मैक्सिमा और मिनिमा का है, आपको अच्छी तरह से इसको भी पढ़ लेना क्योंकि ये भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। 33 देखिए, स्केच द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ये वापस कर्व का आ गया एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल का, दोनों कर्व के बीच का इक्वेशन निकालना यूजिंग इंटीग्रेशन। विलेट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बोर्ड एग्जाम में पहले भी आ चुका, अल्टरनेटिव आता ही है, तो आप लोगों को अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है। 0 to π x tan x / sec x + tan x, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि 35 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा और टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ओड का जो 15% रहता है उसमें ही क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज इज एट ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड ऑफ ए ट्राइंगल सो दैट अ मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज दिस। नेक्स्ट 36, स्केच द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज, तो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल का क्वेश्चन है। एक सर्कल दे रखा है, दूसरा भी सर्कल है, दोनों को कॉमन एरिया है वो आपको निकालना है। 37 देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1-2-3 फ्रॉम द प्लेन x - y + z = 5 मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन x/2 = y/3 = this, तो ये आपका इसका आ गया 3D का, 3D से कैसे निकाल। इसके भी मैंने 4-5 क्वेश्चन दिए है अलग अलग टाइप के, टाइप के में थोड़ा बहुत उसमें कंडीशन चेंज है। ठीक है ना, 38 देखिए, ये LPP का ही है, ये हाउस वाइफ विशेष टू मिक्स टू टाइप ऑफ काइंड ऑफ फूड, एक्स और वाइफ को दोनों मिलाना चाहता है, और मिक्सर इस तरह से है कि उसमें एटलीस्ट 10 यूनिट विटामिन ए, 12 यूनिट ऑफ विटामिन बी एंड 8 यूनिट ऑफ विटामिन सी, द विटामिन कंटेंट ऑफ 1 kg ऑफ द फूड इज गिवन बाय, ये कंडीशन आप दे रखी है कौन से में, एक्स में ये कितना, बी कितना, इसको यूज करते हुए 1 kg ऑफ फूड एक्स एंड कॉस्ट 6 rupees एंड 1 kg ऑफ फूड वाई कॉस्ट 10 rupees, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द दिस, राइट। नेक्स्ट देखिए, ए फेयर
अफेयर ऑफ डाइस गिवन, तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। ए बॉल इज पिक्ड अप एट रैंडम फ्रॉम अ बैग ए, इफ टू और थ्री टर्न अप, ए बॉल इज पिक्ड अप एट रैंडम फ्रॉम बैग बी, अदरवाइज बॉल इज पिक्ड अप फ्रॉम बैग टी, बैग ए कंटेन थ्री रेड और बैग बी में कितनी बॉल दे रखी है और सी में भी दोनों बॉल दे रखी, द डॉल इज रोल सॉरी द डाई इज रोल्ड, ए बैग इज पिक्ड अप एंड ए बॉल इज रोल। तो प्रोबेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजन वाला, तो इसको थोड़ा ध्यान से आपको करना है। 40 देखिए, ये भी डिटरमिनेंट उसका डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का, लेकिन इसकी भी अल्टरनेटिव पोजीशन, क्योंकि ये सैंपल पेपर में और पार्ट में दे रखा है, तो या तो मैट्रिक्स इन्वर्स का आएगा या फिर प्रोडक्ट निकाल के फिर इक्वेशन को सॉल्व, दो मेथड है, दोनों आपको अच्छी तरह से कर लेने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एन ओपन बॉक्स विथ ए स्क्वायर बॉक्स बेस इज टू बी मेड आउट ऑफ ए गिवन आयरन शीट ऑफ एरिया दे रखा है, सो दैट द, तो ये मैक्सिमा और मिनिमा का है, सिक्स चैप्टर का आपको अच्छी तरह से करना है। 42 अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर, तो ये भी आपको उसी का है, इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, द टोटल पैरामीटर ऑफ विंडो पी इज गिवन सो दैट द विंडो विल अलाउ मैक्सिमम पॉसिबल लाइट ओनली व्हेन द रेडियस, तो मैक्सिमम पॉसिबल लाइट का आपका कब आएगी, जब उसका एरिया मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 43 से ये प्रूव करना है डेफिनेट इंटीग्रल का, बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेटिव ईयर्स में आता रहता है, 0 to π/2 log sin x dx या 0 to π/2 log cos x की वैल्यू आपको प्रूव करनी है, -π/2 log होती है। नेक्स्ट 44 देखिए, ये भी फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन का है, ठीक है ना, एरिया ऑफ द रीजन एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स का है, कर्व के बीच का है, एक पैराबोला दे रखा है, एक लाइन दे रखी, तो ये सिंपल वाला है, तो ये आप लोग इसको करिए, सर्कल प्लस पैराबोला प्लस लाइन का है, तो उसको कर लीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, 45 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, व्हिच कंटेन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन प्लेन दिस एंड देन परपेंडिकुलर, तो ये वापस प्लेन का क्वेश्चन दिया है। कोई मैन्युफैक्चर हैज थ्री मशीन ए बी सी डी, तीन मशीन है, तो ये प्रोबेबिलिटी का है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 marks में आने की पूरी गारंटीड है, क्योंकि बेस थ्योरम बेस्ड है, तो इसको अच्छी तरह से आप करना, एक दो क्वेश्चन मैंने और दिए है, तो आप लोग उसे प्रैक्टिस करना। 47 देखिए, डाइटिशियन विशेष टू मिक्स टूगेदर टू काइंड ऑफ फूड एक्स एंड वाई इन सच ए वे दैट इट विल मिक्स मिक्सर कंटेन एटलीस्ट सच ए वे मिक्स कंटेंट 10 units विटामिन ए, 12 units विटामिन बी, 8 units ऑफ विटामिन सी, द विटामिन कॉन्टेंट ऑफ आर गिवन, ये कॉन्टेंट दे रखा है, इसके बेस पे आपको सॉल्व करना। और रेक्टेंगुलर शीट ऑफ ए पेपर ऑफ 45 cm, ये हमने रेक्टेंगल, ये भी मैक्सिमा और मिनिमा का पहले भी हमने किया है इस टाइप का। 49 फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्कल विच इज एक्सटीरियर टू द, ये एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल दिया है, कर्व का एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल दे रखा है उसके बीच का एरिया आपको निकालना है, राइट और पैराबोला और सर्कल के बीच का। 50 देखिए, ए मैन हैज रुपीज इतने फॉर परचेजिंग वीट एंड व्हाइट एंड राइस, ए बैग ऑफ राइस एंड बैग ऑफ वीट इज गिवन कॉस्ट, सो रुपीज रेस्पेक्टली, ही हैज टू स्टोर कैपेसिटी ऑफ ओनली 10 bags, ही अर्न्स प्रॉफिट ऑफ रुपीज 11 एंड, तो ये आपको एलपीपी से सॉल्व करना है, प्रॉब्लम को आराम से पढ़ना, फिर क्या एक्स सपोज करना, क्या वाई करना, उसके करना, फिर लीनियर इन इक्वेशन बनाना, फिर उनको ग्राफ रिप्रेजेंट करना, कॉर्नर से पॉइंट निकालना और जेड की वैल्यू निकालना। 51 है, यूजिंग द मैट्रिक्सेस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, राइट, तो उसी से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, यूजिंग द मैट्रिसेस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम, ये तीन इक्वेशन दे रखा है, इसमें 1/x को u मान लेना, 1/y को जेड वी और 1/z को w मान के वापस लीनियर इक्वेशन में आ जाएगा और इनवर्स मैट्रिक्स मेथड से कर ले। ये प्रोबेबिलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 52 एक्स इज टेकिंग अप सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री इन द एग्जामिनेशन, इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेड दे रखे तीनों में अलग अलग, फाइंड दैट प्रोबेबिलिटी ही गेट ग्रेड इन ऑल ए ऑल सब्जेक्ट, ग्रेड ए इन नो सब्जेक्ट, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। 53 वापस आपका उसका एलपीपी का आ गया, एक ऑपरेटिव, ये अपने एनसीईआरटी का ये अच्छा क्वेश्चन है। सोसाइटी फार्मर हैज 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड टू ग्रो 2 crops एक्स एंड वाई, द प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप्स एक्स एंड वाई पर हेक्टेयर एस्टिमेट इज गिवन, द कंट्रोल वीड
a liquid herbicide has to be used for crop X and Y water rate that is given 20 liters and 10 liters per hectare for the no more than 800 liter of herbicide should be used in order to protect fish and wild using a pond which collect drains from the land. How much land should be allocated? So X or Y land suppose कर लेना उसके अंदर 52 आपका वापस का आ रहा है LPP का 54 टू गोदान गिवन ए एंड बी हैव ग्रेन कैपेसिटी दे रखी है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ट्रांसपोर्ट का, बिल्कुल फ्लो चार्ट बना करके आप लोग करिए इसको अच्छी तरह से पढ़ के दो तीन बार, किसी भी प्रॉब्लम को दो तीन बार पढ़ने के बाद ही आइडिया लगेगा कि उसको क्या सपोज करना है। 55th देखिए फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू दिस इफ द स्लोप ऑफ द रीजन, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होट पे दिया है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में से आने की संभावना कम है लेकिन फिर भी कहीं कहीं गुंजाइश लगती है कि कहीं कहीं इसको देने की संभावना, इसलिए हमने डाला है। और नीचे वाला भी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो 55 और 56 दोनों ही एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपको बहुत अच्छी तरह से करना है इनको, क्योंकि इसकी भी पूछने की संभावना लगती है। 57 है वो डेरिवेटिव का है, इफ एक्स पावर एम वाई पावर एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई, प्रूव दैट, ये आने की संभावना ज्यादा है 3 मार्क्स में। और फाइंड ऑल द पॉइंट, ये कंटिन्यूटी फंक्शन का दिया मैंने, फाइंड ऑल द points of discontinuity of the function f defined by fx equal to curly bracket x plus 2 if x less than 1 x minus 1 x greater than 1 less than 2 and 0 if x greater than। तो ये आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल रख के सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए 59, इफ y x पावर y प्लस y पावर x इक्वल टू log a, तो ये डेरिवेटिव का है। 60th है, 60th हमने पहले भी पढ़े हैं, इस टाइप के पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है, आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना। 61, find the interval in the following way. तो interval increasing और decreasing का question भी आपके बनता है, 4 sin x, 2 cos x, x cos, तो इसके आपको 4-5 problem और NCERT की solve करनी है, किस तरह से करेंगे sin x और cos x में कोई function दे रखा है या algebraic में, तो algebraic की 2-3 practice कर लेना आप लोग और trigonometry की कर लेना, आराम से आ जाएगा using the condition first derivative test। और 62 देखिए, For the curve, this find all the point at which the tangent passes through. तो ये tangent है, tangent है normal का जो topic है, उससे हमने equation उठाया है. Evaluate integral from 1 upon x minus a cos x minus b dx. तो ये भी integral का है और next वाला भी integral, दोनों indefinite integral के है. और next वाले में आपको e power x into fx plus f dx. 64 में use करना formula, तो आराम से हो जाएगा. 65th देखिए, ये homogeneous का ले लिया हमने e power x upon y, so show that the differential equation is homogeneous, find particular solution. Particular solution निकालने के लिए क्या करना है आपको लास्ट में c हटाना। 66 आपको वेक्टर का दे रखा है, if vector a and b are unit vector and theta is the angle between them then prove that cos theta equal to 1/2 mod of a plus b, very important question is there. Find the shortest distance between t and i, तो ये question भी कई सालों से alternative आता ही है, shortest distance और sd का आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है और वेक्टर ए वन क्या है, ए टू क्या है, बी वन क्या है, बी टू, दोनों फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, 3 बॉल्स आर ड्रॉन 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम बैग कंटेनिंग 5 व्हाइट बॉल एंड 4 ग्रीन बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है वापस। 69, इफ y इक्वल टू 3 cos x सो दैट, तो ये आपका डिफरेंशियल का आप मान सकते हो या डेरिवेटिव का भी मान सकते हो, दोनों को एक ही बात है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकालना, इक्वेशन में रखना लेफ्ट इक्वल टू राइट। Find the interval in which the function f defined by fx, ये question important CBSE sample paper में भी दिया है, इस type का question आने की संभावना है, strictly और decreasing interval निकालना। 71 देखिए, prove that the radius of the right circular cylinder of the greatest, इस तरह के question की आपको और practice करनी है, 5 नंबर में ही question पूछ सकते हैं। 72 है, evaluate definite integral का, हमने इस type का पहले भी किया था, CBSE sample paper में भी आया है, pi by 6 to pi by 3 sin x plus If the area between the curve x equal to y square and x equal y divided into 2 equal part by the this area, so इस type का question भी CBSE से sample paper में दिया हुआ है, तो आने की संभावना exact नहीं आया था, इसी type का आएगा, आपको practice करनी। 74 find integral x upon x minus 1 to or the, तो ये भी आपको partial से solve कर लेना, if y equal to this point तो ये भी आपको derivative का करना question। 76 solve the following linear programming problem, ये मैंने 4-5 क्वेश्चन डाले हैं जो डायरेक्ट आपको लीनियर इन इक्वेशंस दे रखी है, इनके आपको ग्राफ प्लॉट करने हैं और कॉर्नर पॉइंट निकालने और जेड जो दे रखा है निकाल, तो बहुत आसान है प्लॉट करके। 76 77 78 79
ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिए और इस तरह के आने की सीबीएसई में इस बार पूरी संभावना है, सैंपल पेपर दे रखा, तो आप लोग इसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, ग्राफ अच्छा बनाइए, पॉइंट अच्छी तरह प्लॉट कीजिए, तो आपका ये क्वेश्चन आराम से 5 मार्क्स दे सकता है। इसके सप्लीमेंट्री में या और में भी आएगा, तो उसमें क्या ग्राफ बना होगा, उस ग्राफ से आपको पॉइंट निकालने और ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा होगा जेड, और जेड में ए और बी कॉन्स्टेंट होंगे, उनकी वैल्यू आपको निकालनी। तो लास्ट क्वेश्चन 80, मैंने 80 बनाए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 एंड वाई इक्वल टू। तो ये आपका इसका एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम 2021 फ्रॉम सुतार्स पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने क्वेश्चन बनाए है, ये क्वेश्चन जनरली पिछले कई 8-10 सालों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, वो कभी कभी एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत वैल्यू 5 की जगह 4 या कुछ चेंज होती है, बाकी फॉर्म इसी तरह है। तो आप लोग इसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, अच्छे मार्क्स आए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अगर प्रैक्टिस करोगे तभी क्वेश्चन हो पाएगी। बार बार प्रैक्टिस करिए घर पे और फॉर्मूले अच्छी तरह लर्न कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए और सब्सक्राइब चैनल कीजिए, ताकि अगला वीडियो मैं दूंगा उसमें आपको शॉर्ट टाइप के आंसर क्वेश्चन कैसे देंगे और फिर केस स्टडी का, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको आराम से प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, एंड टू बी कंटिन्यू विद अस फॉर मोर वीडियोस।